अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह दुरानी की रसोई में खुश आमदीद कहती हूँ और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मेरे रेसिपीज को पसंद करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी है। इसमें पकौड़े बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको दो तरह के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। एक मैं आपको प्याज वाले पकौड़े बनाना सिखाऊंगी और एक आपको मैं आलू वाले पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने बेसन लिया है, ये मैंने एक कप इस तरह मैंने बेसन लिया है और मैंने ये हाफ कटी से हाफ मैंने हरा धनिया की भिगाई है। इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं क्या डालने जा रही हूँ। इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा सोडा लिया है, खाने का सोडा लिया है, मैंने बेकिंग सोडा नहीं लिया। और प्याज ली है मैंने, ये कुटी हुई मिर्च ली है, ये मैंने हाफ टी स्पून ली है। इसके अलावा मैं ये कसूरी मेथी यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये मैंने जीरा और धनिया को सेक के कूट के रखा है और नमक हम हसबे जायका लिए। ये मेरा एक कप आटा है, इसके अंदर ये मैं सारे मसाले डालने जा रही हूँ। बस देख लीजिए, मैंने आटा घोल लिया है और मेरा आटा आप देख लीजिए बिल्कुल गाढ़ा नहीं है। ये जो भी मैंने चीज़ें डाली है ये बिल्कुल पतले का आटे में डाली है, यानी ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ये हमारे हो गए प्याज वाले पकौड़े का आटा, हमने घोल के रख दिया है। अब मैं आपको आलू वाले पकौड़े का आटा बताती हूँ और फिर हम इसे फ्राई। व्यूअर्स, अब जो दूसरे पकौड़े में बनाना चाहूँगी उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने आलू को काटा है, ये मेरे पास एक बड़े साइज का आलू था, ये मैंने उसको इस तरह काट के रख लिया है। और इसके अलावा मैं ये आटा है, ये आटा मैंने यही एक कप यूज़ कर रही हूँ आटा बेसन का। इसके अंदर मैं ये गार्लिक पाउडर है, मैं गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ में से भी हाफ ऐसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अलावा जिंजर पाउडर है, ये जिंजर पाउडर ये भी मैं हाफ टी स्पून डालूँगी ऐसे, ये मैंने हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर डाल दिया। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर, चिकन पाउडर इसमें डालूँ क्योंकि आलू के बना रही हूँ सिंपल बनते हैं तो थोड़ा इसमें अच्छा लगता है कि मैं हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डाल दूँगी। इसके अलावा मैं डालने जा रही हूँ लाल मिर्च, एक टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी। इसके अलावा नमक डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप याद रखिएगा चिकन पाउडर डालें तो नमक ज़रा आप देख के डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर थोड़ा सोल्टी टाइप में होता है, इसलिए नमक थोड़ा देख के डालना पड़ता है। सो अब मैं आपको यह बताती चलूँ कि अब इसका आटा हमें कैसे घोलना है। तो व्यूअर्स, जो हम आलू के बैटर का आटा घूलते हैं वो घोलते हैं वो हमेशा गाढ़ा होता है। आलू का बैटर का आटा कभी भी आप पतला नहीं करेंगे क्योंकि उसको आलू में पूरा करना होता है। तो हम इसको घोलते हैं, इसको हम पानी डालकर इसको हम गाढ़ा सा घोलते हैं और आपको मैं फिर बताऊँ। व्यूअर्स देख लीजिए, मैंने ये आटा घोल लिया है, इसके अंदर ये हम आलू डालेंगे और फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हम पहले आलू के पकौड़े बनाएंगे फिर इसी तेल में हम प्याज के पकौड़े। व्यूअर्स चलिए हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और चलिए ये मैंने पकौड़े लेकर आलू लेकर इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये मैं आलू डाल रही हूँ ताकि मुझे आलू को क्या फ्राई करने में आसानी हो, बार बार मुझे निकाल के ना डालना पड़े। सारे आलू डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने सारे आलू इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं।
देख लीजिए मेरे आलू के पकोड़े बन रहे हैं। ये मैंने हल्का बेटर लगाया है बेसन का, इस तरह भी आप फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये मैंने पकोड़े आलू पे बेसन का बेटर ज़्यादा लगाया है, आप इस तरीके से भी बनाओ। व्यूअर्स देख लीजिए मेरे आलू के पकोड़े तैयार है। इस पे मैंने डबल बेटर लगा के, डबल बेसन लगा के आलू के पकोड़े बनाए, और ये एक ही दफ़ा में आलू में डीप करके, आलू सॉरी बेसन में डीप करके इसको फ्राई किया है। ये दो बार डीप किया है और फिर इसको फ्राई किया है। ये हमारे आलू के पकोड़े तैयार हो चुके हैं, फिर डिश आउट करेंगे। और अब हम चलते हैं प्याज के पकोड़ों की तरफ। तो आइए चलिए हम प्याज के पकोड़े डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल तो ऑलरेडी हमारा गरम है ही, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इसको इसके अंदर जिस तरह डालना है। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स देख लीजिए ये मेरे पकोड़े तैयार है, प्याज वाले पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं और अब फिर आपको बताते हैं कि हमारे पकोड़े कैसे बने। सो व्यूअर्स देख लीजिए मेरे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये मैंने कम डीप करके आलू के पकोड़े फ्राई किए हैं, ये ज़्यादा डीप करके किए हैं। और ये मेरे प्याज वाले पकोड़े, इस तरह स्लाइस में केचप लगाइए और इसको खाइए। यकीन जानिए बहुत मज़ा आएगा। बारिश के दिन शुरू है और बारिश में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और खाई भी जाती है। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।